नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार जॉब स्टोरी में। दोस्तों, पर डे की तरह आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार विधानसभा ग्रुप डी की जो इंटरव्यू में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट की इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। आज डेट है 20 जनवरी 2020। और दोस्तों, आज और भी कुछ विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे इस वीडियो में, जो आप लोगों के रिक्रूटमेंट जो आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी। जिस स्टूडेंटों ने इंटरव्यू दिया है या देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो का आप लोग पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि इसकी जो है वह रिक्रूटमेंट आई थी 2018 में दिसंबर जो है, या अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में आई हुई थी। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ कुछ जानकारी। तो आई हुई थी और इसकी जो है इंटरव्यू वह 2019 में चली, और 2019 से लेके जो है आपको जनवरी तक चलने वाली है। जैसा कि पता होगा, अगर आप लोग पर डे की जो है वीडियो देखते होंगे, जो भी कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं। और जैसे ही आप लोग को पता था कि मई तक जो है इसकी इंटरव्यू चलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है अब्सेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं इंटरव्यू में, तो इस कारण से जो है यहाँ पे एक और अपडेट दी गई थी जो कि दिसंबर में ही। और ये भी कहा गया था कि जो मई में जो लास्ट होगी इंटरव्यू, सो अब जनवरी तक ही रहेगी। तो ये भी मैंने आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बताया था, और काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंटों को उसे जो है फ़ायदा भी हुआ। और जिन स्टूडेंटों का डेट नहीं आ रहा था उनको मैंने डेट भी बताया था उनके इंटरव्यू का। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले की बातें हैं, लेकिन आज जो है कुछ खास इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम आज की जो है कुछ क्वेश्चन देख लें, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे वीडियो को लास्ट में। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप लोग करिए इस वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आपके लिए पर डे की जो है यहाँ पर क्वेश्चन लाई जाती है। और जैसे ही किसी भी तरह की अगर अपडेट आती है इसकी ऑफिशियल साइट पे, तो हम सबसे पहले आपको देते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की डिटेल। दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए नहीं लेके आए हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यू नज़दीक आती है उस तरह से यहाँ पे स्टूडेंटों की जो है वह संख्या में कमी आती है, और बहुत कम ही स्टूडेंट हमारे कॉन्टैक्ट में रह पाते हैं, इसलिए बहुत कम ही क्वेश्चन आ पाती है दोस्तों। लेकिन इतनी भी आती है हम आपको ज़रूर बताएँगे। उससे पहले कुछ आपके लिए जो है वह फ़ायदे की चीज़ मैं बता दूँ। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं या आपका जो है किसी रोज़ इंटरव्यू का डेट दिया है, तो प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर हमसे शेयर करें, ताकि आपसे भी जो है कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेके हम और स्टूडेंटों तक पहुंचा सके दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि जैसे ही आप अगर इंटरव्यू देने वाले हैं, तो कुछ खास चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान में रखें। वहाँ पे जाने से जो है उससे पहले अगर आप लोगों को इंग्लिश की अगर जो है वह न्यूज़पेपर या कुछ भी इंग्लिश पढ़ने में अगर प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ उसे थोड़ी सी सुधार कर ले, क्योंकि वहाँ पे जो है हर एक स्टूडेंट से वहाँ पे इंग्लिश का न्यूज़पेपर या हिंदी का हो लिखवाया भी जाता है और पढ़वाया भी जाता है दोस्तों। बहुत ही सारे स्टूडेंटों से हमने बात करा, तो उनका ये मतलब बात आती है कि उनसे कई बार तो उनका जो है वह जो भी सब्जेक्ट होती है उसकी स्पेलिंग ही पूछ ली जाती है। एक स्टूडेंट से ऑनर्स का जो है वह स्पेलिंग पूछा गया था, किसी से जो है वह स्त्रीलिंग लिखवाया गया, किसी से पुल्लिंग लिखवाया गया हिंदी में। तो इस चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें, और ख़ासकर अपने सब्जेक्ट पे, जो भी आप सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं या आप 12th पास हैं, तो उन सारे सब्जेक्टों का नाम प्रॉपर तरीके से हिंदी में भी याद करें और इंग्लिश में भी, और कैसे उसको लिखा जाता है उसकी स्पेलिंग वगैरह आप चेक एक बार ज़रूर कर लें दोस्तों। उसके बाद बात आती है आपके जो है वह होम टाउन से, जहाँ से जिस ज़िले से आप हैं, तो प्लीज़ वहाँ का जो है विधायक का नाम जो ज़रूर ध्यान में रखें, या किसी कवि या किसी एक जो है नेता का नाम ज़रूर याद रखें जो वहाँ के ज़्यादा जो है प्रचलित हो। उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मुख्य रूप से क्या फसल जो है उपजाई जाती है, इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखें, और किसी जगह के बारे में जो आपके जो नज़दीकी शहर में या डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रचलित हो, या कहीं पे आपको अगर पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकती है, तो उस हिसाब से आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार जो है वह महत्वपूर्ण जगहों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि आप बताइए ये जगह बिहार में किस ज़िले में है या कहाँ पे है, इस तरह की क्वेश्चनें पूछी जाती है कई बार। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहली जो आज की जो है एक स्टूडेंट द्वारा बताई गई है कि उनसे साइंस के जो है करीब
3 से 4 क्वेश्चन पूछी गई थी, लेकिन उन्हें मात्र 2 ही क्वेश्चन याद थी, इसलिए हमें वो 2 ही क्वेश्चन बताए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का, कि सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीवी रमन जो है एक वैज्ञानिक थे, और ये इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक शास्त्र के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो है भारतीय हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार जो है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, कई बार मैंने जो है इस तरह की क्वेश्चनें बताई भी हैं, लेकिन इस तरह की क्वेश्चनें जो है पहली बार पूछी गई है, ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, इस तरह की क्वेश्चनें पहली बार आई है। कई बार क्वेश्चनें होती है कि गुरुत्वाकर्षण जो है का नियम किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया, इस तरह की क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ी सी घुमाई हुई है कि पूछी गई है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि सर आइज़ैक न्यूटन जो है उसने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है दोस्तों। इसके 3 नियम हैं, आप लोग तीनों ये नियम याद रखें, क्योंकि मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी जो डिफाइन करके बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों, तो चैनल पर जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वह हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। दोस्तों भारत के वित्त मंत्री जो है वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी हैं। जो दोस्तों इनसे पहले जो है, यानी कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन वर्तमान में है, लेकिन इससे पहले निर्मला सीतारमन जो है एक डिफेंस मंत्री थे, यानी कि ये जो है वह रक्षा मंत्री थे, और वर्तमान में रक्षा मंत्री जो है वह राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि वित्त मंत्री जो है इनसे पहले कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा अरुण जेटली जी जो पहले वित्त मंत्री थे, लेकिन उनका जो है देहांत हो गया है, आप लोगों को पता भी होगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीट करी है ये क्वेश्चन, आप लोगों को पता हो भी होगा, अगर पर डे आप लोग वीडियो देखते होंगे तो। बिहार के जो है वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें गृह मंत्री की, बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी, ठीक है दोस्तों। और सुशील कुमार जी जो है वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि अकबर किसका पुत्र था। तो फ्रेंड्स जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि मैंने एक क्रम में बताया था मुगल वंश, तो अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ कि अकबर जो है वह हुमायूं का पुत्र है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अकबर से पहले आप लोग को बता दूँ कि हुमायूं आता है, और हुमायूं से पहले जो है वह बाबर। तो मैं एक क्रम में बता दूँ जहाँ तक इम्पोर्टेंट होती है आप सभी के लिए, कि बाबर जो है बाबर का बेटा यानी कि पुत्र हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जो है वह जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र जो है शाहजहां। शाहजहां का 2 बेटे थे, आप लोगों को पता होगा, एक दारा सिंह को और एक जो है वह औरंगजेब। यहां तक जो है औरंगजेब तक, जो 1707 ईस्वी में इसकी जो मृत्यु हुई थी, इसके बाद से जो है वह जो मुगल वंश है वह डगमगा गया था, और इसके बाद बहुत ही ऐसी जो है कम ही जो है प्रचलित रही इसकी जो है राजवंश, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं यहीं तक बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये कथन जो है एक भारतीय महिला की है, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है। आप लोगों को पता होगा कल्पना चावला के बारे में, ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं, और ये जो है वह इन्हीं का कथन है कि मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, ठीक है दोस्तों। और ये कथन इन्हीं का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पानीपत युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा प्रथम पानीपत का युद्ध जो है 1525 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है लीन डॉन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। दोस्तों इस तरह की क्वेश्चन जो है जो बहुत कम ही पूछी जाती है, अब बाद में हम लोग देख लें कि एक विदेशी खिलाड़ी के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग थोड़ी सी ध्यान भी रखिएगा। यहाँ पे मैं बता दूँ लीन डॉन जो है बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं, और ये जो है चीन के हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान में जो है थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ठीक है दोस्तों, हाल ही में बने हैं, जरूर ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि बिहार के कृषि मंत्री कौन हैं। दोस्तों बिहार के कृषि मंत्री जो है वर्तमान में डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछी गई है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। तो दोस्तों औरंगाबाद जो है सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो आप लोग को पता होगा शिवहर जो है वह बिहार का सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो आप लोग को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो है दरबार में चाणक्य रहता था, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वह गुरु भी था, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अर्थशास्त्र के रचयिता भी चाणक्य को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2019 का कौन सा क्रम था। ये कई बार क्वेश्चन पूछी गई है, ये जो है 17वीं क्रम थी लोकसभा चुनाव 2019 का, जरूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो है राज्यपाल जगदीश धनखड़ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री वह ममता बनर्जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। दोस्तों बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री जो है श्रवण कुमार जी हैं। कौन है दोस्तों? श्रवण कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछी गई है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इंटरव्यू देने के बाद। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि कई सारे स्टूडेंटों के द्वारा यहाँ पे बस एक ही चीज़ कमेंट किया जा रहा था कि रिजल्ट इसका कब आएगा, रिजल्ट इसका कब आएगा। दोस्तों मैं इसमें लगा हूँ और कई जगहों पे मैंने पता भी करा है और पता अभी भी कर रहा हूँ कि इसकी रिजल्ट की क्या खबर है अभी। तो दोस्तों जैसे भी मैं किसी भी तरह से अगर विधानसभा में पता लगाता हूँ या करता हूँ कि इस जो है वह रिक्रूटमेंट की जो 2018 में आई थी 4/2018 की जो वैकेंसी आई हुई थी ग्रुप डी की, उसकी रिजल्ट की क्या प्रोसेस हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वहां से बस एक ही अभी जवाब आ रहा है कि अभी इसकी जो है वह इंटरव्यू चल ही रही है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद ही जो है इसकी कोई खबर आपको दी जा सकती है। तो दोस्तों इसलिए हम आपको कुछ भी यहाँ पे जो है जानकारी नहीं देते हैं, कि आप लोग को कुछ ही जानकारी अगर दूँ तो वो जो है ऑफिशियल होनी चाहिए, ना कि अपने मन से कुछ भी बना के मैं आपको बता दूँ। आप लोगों की जो है समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए आप लोग जो है अभी और भी रिक्रूटमेंट जैसे आ रही है तो उन पर आप ध्यान दें, और भी ज़्यादा एग्ज़ाम आ रही है उन पर ध्यान दें। जैसे ही इसकी अगर कोई भी खबर मिलती है, या मैं आपको 26 जनवरी 2020 के बाद ही मैं इसके बारे में कुछ भी आपको बता पाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले आप अगर कमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, आपका काम है ये चीज़, लेकिन आप जो है ज़्यादा ध्यान दें और भी दूसरे रिक्रूटमेंट जो अभी आ रहे हैं उन पे। और जिस तरह से ही जैसे ही इसकी कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी जानकारी हमें मिलेगी दोस्तों, हम सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।